नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं इस महीने का राशिफल, जिसमें हम चर्चा करेंगे आपकी राशि के बारे में सामान्य बातें, करियर, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, परिवार और समाज और कुछ उपयोगी सलाह। मेरा ये पूर्णमान 1 मई 2018 से लेकर 31 मई 2018 तक के लिए रहेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे पूछ लूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है ना, और अगर आपने अभी तक इसे नहीं सब्सक्राइब किया तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले निशान को भी ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे आप हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रायोरिटी पर पा सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं कुछ सामान्य बातें आपकी राशि के लिए। इस महीने ग्रहों का ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा कि आप में ऊर्जा और रचनात्मकता भर देगा, यानी कि एनर्जी और क्रिएटिविटी। इसलिए आप अधिक चंचल और उत्साही भी हो सकते हैं। आप स्वयं को आरामदायक स्थिति में पाएंगे और खुद में आत्मविश्वास भी महसूस करेंगे। यदि आप काम नहीं करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, तो बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी बोझ के आप ऐसा करने में सक्षम होंगे। इस महीने करियर के मामलों में कोई असामान्य गतिविधि नहीं होगी। इस महीने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और आपकी अपेक्षाओं में व्यवहारिक रहना होगा, यानी कि प्रैक्टिकल होना होगा। हो सकता है कि आपके सीनियर्स शायद काम के प्रति आपकी ईमानदारी को अनदेखा कर दें, लेकिन आपके अच्छे प्रयास भविष्य में आपको फायदा जरूर पहुंचाएंगे। प्लानिंग के लिए भी ये एक अच्छा समय है। आपके द्वारा अब किए गए निवेशों से आपकी संपत्ति में आगे चलकर वृद्धि होनी चाहिए। इस महीने आप खुद को पहले से अधिक लविंग और स्नेही व्यक्ति के रूप में देखेंगे। यह समय रोमांस और जीवन का आनंद उठाने के लिए उत्तम होगा। आपके पर्सनल आकर्षण और सुंदरता में वृद्धि होने से आप अधिक आकर्षक और लोकप्रिय बन सकते हैं। इसलिए आप अपने साथी से अधिक तवज्जो और सहानुभूति भी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग अभी सिंगल हैं, उनको अपना सच्चा प्रेमी तलाश करने के लिए इस शानदार मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अत्यधिक मोटिवेटेड होने से आपको अच्छे मूड में रहने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे समय का आनंद भी आप उठा सकते हैं। आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण आपके रिलेशनशिप की टेंशन और फंसी लोगों के साथ तर्क के जोखिम को कम करेगा। आप अपने घरेलू जीवन में शांति और सद्भाव की उम्मीद रख सकते हैं। यह समय सभी प्रकार की सामाजिक गतिविधियों के लिए अनुकूल होगा और आपको अपनी लोकप्रियता का आनंद भी मिलेगा। किसी भी तरह के ऋण का भुगतान करने की कोशिश जरूर करें, और यदि आप पूरा ऋण नहीं उतार सकते हैं तो कम से कम थोड़ा थोड़ा करके ऋण का भुगतान करें, ताकि आप अपने सिर से उधारी का कुछ बोझ कम कर सके। तो मित्रों, यह था आपकी राशि के अनुसार मेरा पूर्णमान इस महीने के लिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर हमसे ज्योतिषीय सलाह चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आपको सिर्फ हमें फोन करना होगा और ज्योतिषीय सलाह के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे कि यह एक पेड कंसल्टेशन होगी। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। हमारे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक करें। आपका जीवन मंगलमय और खुशहाल रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।